हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एस एन के लीला, और मैं हूँ आपके साथ बी के सी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हमारे आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल क्लास 9। और हाँ, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो वीडियो को देखते देखते समझे और इन्जॉय करें। तो दोस्तों, पहले देखते हैं आखिर पॉलिनोमियल होते क्या है। स्कूल में तो हमें रटा रटा डेफिनेशन पढ़ा दिया जाता है और बोला जाता है कि याद कर लीजिए, यही डेफिनेशन है। पर आज हम देखेंगे एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ओके देन, लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं पॉलिनोमियल के डेफिनेशन। पॉलिनोमियल आखिर होते क्या है। अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। पॉलिनोमियल्स वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं उनका पावर नॉन नेगेटिव होता है। मीन्स वो नेगेटिव में नहीं होंगे, ना ही फ्रैक्शन में होंगे। मीन्स जो भी वेरिएबल का पावर होगा गिवन एक्सप्रेशन में, वो हमेशा एक होल नंबर होगा या फिर एक नेचुरल नंबर होगा। मीन्स जीरो से स्टार्ट होंगे या फिर वन से स्टार्ट होंगे, ना ही नेगेटिव होंगे ना ही फ्रैक्शन होंगे। जैसा कि आप इस पॉलिनोमियल में देख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन में आप जो वेरिएबल का पावर देख रही है -2/1 है, क्योंकि ये नेगेटिव में भी है और ये फ्रैक्शन में भी है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका नेगेटिव है और ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है ना ही नेचुरल नंबर है, तो ये फ्रैक्शन में और ये नेगेटिव है, मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं। 2x³ + 7x² - 4x + 15, ये जो एग्जांपल आपने देखा ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि जो x के वेरिएबल्स है, हाँ ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपका दिया हुआ है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे दे दिया है और आपको बाकी सारे होल नंबर्स हैं और ये माइनस है, एक अगर एक गिवन एक्सप्रेशन में एक भी अगर माइनस होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अगर मान लीजिए एक्सप्रेशन में माइनस नहीं होता, सिर्फ x यहाँ पे पावर 3, x के 3, x पावर 2, x पावर 1, तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब देखिए, देखते हैं कि पॉलिनोमियल, ये जो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मैंने बताया दिखा वो लिखा हुआ है जो आप देख रहे हैं, या कितने डिफाइन क्या करता है। ये जो पी एक्स है, यहाँ पे पी है या वेरिएबल के तौर पे, ये यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी पुट कर सकते हैं, जैसे जी एल एम एन ओ कुछ भी। और यहाँ पे जो गिवन वेरिएबल है, इसके जो एक्स लिखे हैं मैंने, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे वाई दिया होता तो मैं यहाँ पे वाई लिखता, आप भी यहाँ पे वो कुछ भी लिख सकते हैं आप जैसा पॉलिनोमियल में गिवन है, तो ये कहलाता है आपका पॉलिनोमियल आइडेंटिफिकेशन। अब ये जो आप देख रहे हैं ए सबस्क्रिप्ट एन, एक्स सबस्क्रिप्ट एन एंड लास्टली ए सबस्क्रिप्ट जीरो, एग्जाम के बेसिस में कभी कभी दे दिया जाता है एग्जाम क्वेश्चंस में, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। अब ये आप तो ये बात होगी डिफिनेशन क्या होता है। अब बात करते हैं टर्म्स एंड देयर कोएफिशिएंट्स। टर्म्स मीन्स द फैक्टर सेपरेटेड बाय प्लस माइनस इनटू। अब तो आपको डेफिनेशन ही से पता चल रहा हो कि जो प्लस माइनस इनटू डिवाइड से सेपरेट होकर बनते हैं उन्हें ही हम टर्म्स कहते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं 2x² - 7x + 8, इस पॉलिनोमियल में आपका जो सेपरेट हो रहा है, मीन्स माइनस जो प्लस जो सेपरेट हो रहे हैं, माइनस प्लस सेपरेट कर रहे हैं, ये 2x² - 7x + 8 को सेपरेट कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने लिख दिया 2x² - 7x + 8 आर टर्म्स। हाँ दोस्तों, और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई भी चीज़ माइनस से लगा हुआ है तो वो माइनस के साथ आएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा, अभी आप देख सकते हैं माइनस के साथ मैंने लिखा, तो 2x² - 7x + 8 आर टर्म्स। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स आर द थिंग्स अदर देन वेरिएबल्स और द कांस्टेंट 1, 2, 3, 4, 5 सेपरेटेड फ्रॉम द गिवन वेरिएबल। जो भी एक गिवन वेरिएबल के अलावे जो बचते हैं उन्हें ही कोएफिशिएंट्स कहते हैं उस वेरिएबल का। अब एक अगर बात करें यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में और इस टर्म में बात करें, तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² के यहाँ पे अलावे कौन सा बच रहा है, 2। अब आप तो बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल ये भी तो बच रहे हैं, पर ये नहीं होगा। आपको सिर्फ बोल रहा है जो सेपरेट हो रहा है, सेपरेट होकर इधर साइड है, ये इधर साइड टोटली। अब ये 2x² होल है टर्म में बात होता है हमेशा एक पर्टिकुलर टर्म में। जब भी कोएफिशिएंट पूछा जाएगा x², व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x². अब ये तो बात, अब मान लीजिए x का पूछा है तो x का कोएफिशिएंट हो जाएगा -1 - 7। हाँ, ये तो हो गया। अब बात, अब देखते हैं, अब यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं 2x² - 7x + 8, मैंने सेम एग्जांपल लिया है। और एक क्वेश्चन लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ इस x² का कोएफिशिएंट तो क्या होगा, 2। जैसा कि मैंने बताया 2 होगा, देखिए मैंने लिख दिया है, सो कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 2। ये हो गया। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ -7x, तो देखिए -7 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो गया, -7 हो गया। अब बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। सबसे पहले देखेंगे हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की, डिग्री क्या होता है एक पॉलिनोमियल का, कितने टाइप्स में उसे बांटा गया है, और टर्म वाइज भी देखेंगे। और शायद टर्म वाइज में तो आपने पहले भी अपने क्लासेस में पढ़ा होगा और आप याद भी होगा मोनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, ऐसे ऐसे करके। तो चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री वाइज। जैसा कि मैंने आपको बताया
पॉलिनॉमियल के टाइप्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल डिग्री वाइज। अब देखते हैं, पहले देखते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होता है। एक पॉलिनॉमियल का डिग्री देखिए, द एक्सपोनेंट विच इज हाईएस्ट इन द गिवन पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। जो एक्सपोनेंट का जो पावर सबसे हाईएस्ट होता है उसे ही हम डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल कहते हैं। जैसा कि आप इस पॉलिनॉमियल में देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट डिग्री है, मींस जो हाईएस्ट एक्स का पावर है वो 3 है। यहाँ पे आप देखते हैं 2 तो 3 से कम है, फिर 2 1 से कम, 1 जो है वो 2 से कम है, ऐसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे डिग्री जो सबसे हाईएस्ट है वो 3 है, यानी कि इस पॉलिनॉमियल का जो डिग्री होगा वो कहलाएगा हाईएस्ट डिग्री इज 3। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल डिग्री वाइज। देखिए डिग्री वाइज मैंने टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल एक्चुअली 5 टाइप्स होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। आपके बुक में यह एक्चुअली गिवन है, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, अब पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 0, एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसका जो वेरिएबल का पावर होता है वो 0 होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2x = 0 है, 2 इज द पावर 0। अब आप जानते ही होंगे एक्सपोनेंट के लॉ के अकॉर्डिंग, एक्सपोनेंट के लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते ही होंगे एक्सपोनेंट ऑफ लॉ x = 0 = 1। x का जो अगर एक्सपोनेंट के लॉ के अकॉर्डिंग x का जो पावर अगर 0 है तो उसका जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 × x^0 है = 2। यहाँ पे तो जो x का पावर तो 0 का 1 होता है एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे 1 हो गया, तो आपको 2 आ गया। तो ये जो आपको सिंगल न्यूमेरिकल दिख रहा है ये आपका कॉन्स्टेंट पॉलिनॉमियल कहलाएगा। ये मत बोल दीजिएगा कि ये एक्स नहीं है यहाँ पे इसलिए पॉलिनॉमियल नहीं कहलाएगा, ये पॉलिनॉमियल कहलाएगा पर ये कॉन्स्टेंट पॉलिनॉमियल कहलाएगा, मीन्स इसका जो x का पावर है वो 0 होगा। अब ये तो बात हो गई कि कॉन्स्टेंट पॉलिनॉमियल। अब देखते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल आप पहले भी आपने सुना होगा, लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे ऐसे करके। अब पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1, एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसका जो डिग्री होगा, जिसका जो एक पॉलिनॉमियल में हाईएस्ट डिग्री होगा वो 1 होगा। जैसा कि आप इस डेफिनेशन में देख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन एग्जांपल में देख सकते हैं, एक्स का जो हाईएस्ट पावर है इसमें वो 1 है। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक लीनियर पॉलिनॉमियल हो गया। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2, एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो 2 होगा। देखिए जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या है, 2 है। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल, अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3, एक गिवन पॉलिनॉमियल का जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो 3 होगा, अगर तब वो जो पॉलिनॉमियल होगा वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल कहलाएगा। अब जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हैं, जो हाईएस्ट पावर यहाँ 1 या 2, सबसे हाईएस्ट कितना तक गया है, 3 तक गया, यानी कि ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अब बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की। तो अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 4, दैट इज जो क्वाड्रेटिक एक पॉलिनॉमियल में जो वहाँ वेरिएबल का जो पावर होगा वो हाईएस्ट क्या होगा, 4 होगा। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख भी सकते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट वो यहाँ 1 या 2 या 3, सबसे हाईएस्ट कितना गया, 4। इट मीन्स क्या कौन सा पॉलिनॉमियल कहलाएगा, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहलाएगा। अब तो ये दोस्तों बात हो गई डिग्री टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल डिग्री वाइज। अब बात करते हैं पॉलिनॉमियल के 0 और रूट ऑफ द पॉलिनॉमियल। 0 ही को हम रूट भी कहते हैं, 0 या फिर रूट बोल सकते हैं आप, 0 या रूट ऑफ द पॉलिनॉमियल। देखिए ये क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स अ गिवन पॉलिनॉमियल 0, एक वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जो कि गिवन पॉलिनॉमियल को 0 बना देता है। देखिए यहाँ पे आप जब भी आपको 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल या फिर रूट ऑफ द पॉलिनॉमियल बोले, तब आपको दिमाग में ये नोट कर लीजिएगा कि px = 0, यही कहलाता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, आपको याद करने के लिए ऐसा आप याद रख सकते हैं रिमेंबरिंग के लिए। देखिए 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल जब भी बोले तो आपको ये डेफिनेशन याद रखना है, और ये जो वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखा है ये हमेशा आपको याद रखना है। ये हमेशा जब भी क्वेश्चन आप बनाइएगा, मान लीजिए आपको 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल निकालने बोल रहा है, तो आप इसी वैल्यू को पुट करके ऐसे ही करके आप बनाइएगा। देखिए जैसा एक्चुअली एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए एग्जांपल लेट px = x-3, ये एक मैंने पॉलिनॉमियल, जैसा कि मैंने बताया था ये जो डिनोशन है, ये जो आइडेंटिटी है, ये एक पॉलिनॉमियल का डेफिनेशन डिफाइन करता है। x-8 ये क्या है, मेरा पॉलिनॉमियल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो x का पावर वो एक होल नंबर है और नेचुरल नंबर है, तो ये एक पॉलिनॉमियल हुआ, ये मेरे पास पॉलिनॉमियल गिवन है। अब देखते हैं यहाँ पे मेरे पास तो px = x-8 है, तो आपको सबसे पहले इसको 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल निकालना होगा, या फिर आपको बोलेगा क्वेश्चन में कि 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल इसका निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इस वैल्यू को याद रखना है और आपको इस एक्सप्रेशन को याद रखना है, इस आइडेंटिफिकेशन, चाहे यहाँ पे कोई gx दे दिया हो या फिर hzx दे दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बस आपको ये px दिया हुआ है, आप इसको यहाँ पे फिर px यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे px, यहाँ पे gx मान लीजिए, px मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए,
या फिर जीरो। अब दोनों अब क्या देखिए पी एक्स और पी एक्स ये दोनों सेम है तो ये एक्सियम वन के अकॉर्डिंग ये सब्सिट्यूट हो जाएंगे एक दूसरे में। देखिए मैंने सब्सिट्यूट कर दिया पी एक्स इक्वल टू जीरो के तो मैंने पहले आइडेंटिफाई करने के लिए आपको समझाने के लिए लिखा है। फिर देखिए मैंने क्या लिखा सब्सिट्यूट कर दिया दोनों को एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो क्योंकि पी एक्स और पी एक्स इक्वल्स थे तो एक्सियम वन आप यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ोगे पहले बाद में पी एक्स जो होते हैं जो भी अगर जो भी चीज़ें एक दूसरे से इक्वल होते हैं तो वो अपने एक दूसरे से भी इक्वल होंगे। ये पी एक्स इक्वल थे तो इसके जो अदर टर्म्स होंगे वो भी इक्वल होंगे तो मैंने लिख दिया एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो। अब तो मैं आप अगर इक्वेशन के तौर पर सॉल्व कीजिए तो एक्स इक्वल टू एट आ जाएगा माइनस है तो प्लस तो जीरो को प्लस कीजिएगा एट से तो एट आ जाएगा। अब ये बात होगी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ एक्स माइनस एट। अब ये तो बात होगी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की। चलिए तब दोस्तों अब हम देखते हैं कुछ थ्योरम्स जो कि आपके बुक में बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है रिमेंजर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। बहुत ही इजी थ्योरम्स है आपको सिर्फ समझना है बस और हम आगे बढ़ रहे हैं अब फैक्टर थ्योरम एंड रिमेंडर। दोस्तों अब हम आ गए हैं रिमेंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम की ओर। बहुत ही इजी थ्योरम्स है बस आपको थोड़ा सा समझना होगा। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि जो ये पी एक्स होता है वो एक डिनोशन होता है पॉलीनोमियल का। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले रिमेंडर थ्योरम। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखा है इफ़ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल एंड इट इज डिवाइडेड बाई जी एक्स। जी एक्स जो पॉलिनोमियल है और पी एक्स जो एक पॉलिनोमियल है। ये मैंने पॉलिनोमियल लिखा नहीं है पैसे का आइडेंटिफिकेशन दिया है ताकि आप समझ सके। डेफिनेशन में हमेशा आप ऐसे ही दीजिएगा इफ़ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल एंड इट इज डिवाइडेड बाई जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स वुड बी पी ए। रिमाइंडर थ्योरम कहता है हिंदी में बताता हूँ रिमाइंडर थ्योरम वो कहता है कि अगर एक पॉलिनोमियल का मान लीजिए ए पॉलिनोमियल है ए एक पॉलिनोमियल और बी एक पॉलिनोमियल है तब मैं बी से जब ए को डिवाइड करूँगा मीन्स ये जो डिवीज़र बन जाएगा और ये जो होगा वो एक डिवीजन बन जाएगा मीन्स ये डिवीज़र जो होगा ये इसको डिवाइड करेगा तब डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगा वो मेरा अप्रॉक्स होगा मीन्स जो पी ए के बराबर होगा। मीन्स देखिए यहाँ पे x माइनस ए में लिया है मैंने लिया है पहले जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मैंने इसका निकाला तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आप सब्सटीट्यूट करोगे ऐसे 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 ही आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके ये नंबर है तो आप x को उधर इस माइनस ए को उधर भेजोगे तो आपका x इक्वल्स टू ए आ जाएगा आपके पास तो आपके पास x का वैल्यू आ गया ए। आपको x का वैल्यू पुट कर देना वैसे कि मैंने यहाँ पुट कर दिया तो p का a ऐसे करके आ गया आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए तो आपका जो वैल्यू होगा वो पी ए मीन्स ऐसा करके एक रिमाइंडर आएगा आपका कुछ भी आ सकता है जीरो बहुत ही कम चांसेस होते हैं रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग जीरो आने का पर ज़्यादातर हमेशा 99% हमेशा चांसेस होते हैं कि आपका हमेशा एक वैल्यू आएगा न्यूमेरिकल में जैसे टू आ गया थ्री माइनस सिक्स माइनस इलेवन कुछ भी आ सकता है वैल्यू रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग। जब भी कोई चीज़ को हम डिवाइड करेंगे किसी और चीज़ से तब उसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा टू या कुछ वैल्यू हो सकता है अप्रॉक्स वैल्यू आएगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब एल्टर में दूसरे डेफिनेशन से आप देख सकते हैं कि पी इफ़ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स जैसे कि मैंने बताया देन रिमाइंडर वुड बी पी ए तब जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा पी ए के बराबर होगा। ये पी ए नहीं होगा ये पी ए के बराबर होगा ऐसा हम ये कहना चाहता है रिमाइंडर थ्योरम। तो चलिए दोस्तों ये तो बात हो गई रिमाइंडर थ्योरम के डेफिनेशन के। अब देखते हैं कि एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस टू एक्स प्लस फाइव माइनस टू एक्स प्लस फाइव ये मेरा एक पॉलिनोमियल है और देखिए मैंने जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन लिया है फाइंड द रिमाइंडर। यहाँ पर मुझे रिमाइंडर लेना है आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसका निकालना है इसका आपको जीरो तो पॉलिनोमियल निकालना है आपको ढूंढना है कि डिवीज़र कौन है डिवीज़र ये तो आपको लिखा हुआ रहेगा कि इज डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय जहाँ लिखा हुआ है उसके बाद कुछ दिया हुआ है देखिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय होता है क्योंकि इससे इसको मुझे इससे डिवाइड करना है तो ये इसका मुझे पहले जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना होगा पहले जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकलेगा। देखिए सबसे पहले यूज लिखते हैं मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं इसी लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम अगर निकालना होगा हमें तो इसी लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें निकालना होगा। अगर आपको बोला जाए कि आपको इसको इसको डिवाइड करना है तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज़ करोगे ये तो अगर मान लो आपको रिमाइंडर थ्योरम नहीं पता है तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको पता है तो आप लॉन्ग डिवीजन करोगे। इसी लॉन्ग डिवीजन मेथड को एकदम मीन शॉर्टली करके इसी मीन्स कम टाइम में बनाने के लिए इस रिमाइंडर थ्योरम को निकाला गया और फैक्टर थ्योरम को निकाला गया है। अब देख लेते हैं मैंने दोनों से बना दिया दोनों का आंसर सेम आएगा जैसा कि आप देख सकते हैं इसका फाइव आंसर आ गया इसका फाइव आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए सबसे पहले देखते हैं यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम से यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम सॉल्यूशन यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फर्स्टली जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये जी एक्स है आपको इसको पहले जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना होगा मीन्स जो पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होगा एक्स का वैल्यू आपको सबसे पहले निकालना होगा। देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आपको जब भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है तो हमेशा याद रखिए पी एक्स इक्वल टू जीरो ये वाला हमेशा याद रखिए ताकि आप सब्सटीट्यूट कर पाओ। आपको सिर्फ जब भी बोले जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपको उस पॉलिनोमियल को याद रखना है और इक्वल टू देके जीरो लगा देना है बस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपका निकल जाएगा। देखिए मेरा एक्स का वैल्यू निकल गया वन तो मैं बोल सकता हूँ वन इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल
x माइनस वन, ये आपको निकल गया x इक्वल्स टू वन। अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है। ये जो आपका गिवन पॉलिनॉमियल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, ये आपको कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है, x का वैल्यू पुट करना है, जहाँ जहाँ पर वैल्यू पुट होगा। अब ऐसे लिख देना आपको, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है, नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू वन इन पी एक्स, पी एक्स इक्वल टू, ऐसे करके आपका पॉलिनॉमियल आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या था, वन था मेरे पास, यहाँ पे एक्स का वैल्यू वन निकला है, तो यहाँ मैंने वन पुट कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे भी वन पुट किया सारे में, देख जैसे कि आप देख सकते हैं पी वन वन माइनस सी, ऐसे किया मैंने तो माइनस टू प्लस सेवन। जैसा कि मैं आपको आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे देखिए टेन रिमाइंडर वो पी ए, तो पी ए के बराबर हो गया। यहाँ पे जो ए है ना, ये आपका एक वेरिएबल है, मीन्स ये आपका ये आपका एक वैल्यू है, ये वन जो है ये पी ए यहाँ पे ए है, क्योंकि यहाँ पे एक्स मैंने से लिया था, यहाँ वन हो गया, यहाँ पे वन हो गया। मैंने जैसे यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दिया है, एग्जांपल के अनुसार देखिए, आपको जो पी आया वो क्या आया, फाइव आया, मींस अप्रॉक्स आया, मैं लगभग लगभग आया। फिर मेरे थ्योरम यही कहता है कि आपको जो आंसर आएगा वो लगभग लगभग आएगा। अगर आप किसी चीज़ को किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, लगभग आएगा। अब बात करते हैं लॉन्ग डिविजन मेथड से। अब आपके अगर मान लीजिए आपको रिमाइंडर थ्योरम नहीं पता था, तो आप लॉन्ग डिविजन मेथड से करोगे उसको उसको डिवाइड, तब आपका रिमाइंडर कुछ आएगा। अब देख सकते हैं एक्स माइनस वन और इसे आपने डिवाइड किया, तो आपका क्या आया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये तो आपका हो गया क्वासेंट, क्वासेंट हो गया, ये आपका क्वासेंट हो गया। आपका रिमाइंडर क्या है, फाइव। यहाँ पे जैसे कि आप डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ फाइव, ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है और थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन भी लगता है, इसीलिए इसे शॉर्ट करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम को निकाला गया है। अब देखते हैं आप दोस्तों आगे बढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम की ओर। देखिए फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, इफ़ पी एक्स इज ए पॉलिनॉमियल एंड इच हैव जी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए एज अ फैक्टर, देन द रिमाइंडर वुड बी पी एक्स इक्वल्स टू जीरो। रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा सा डिफरेंट था। फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर आप एक किसी डिवीज़र को किसी डिविडेंड से डिवाइड करोगे, जब किसी डिवीज़र को डिविडेंड से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो ज़ीरो आएगा, अगर वो फैक्टर है तो। मान लीजिए ये जो ए है मैंने लिया, ये बी है मेरे पास, ये डिवीज़र, मान लीजिए ये डिवीज़र है, ये डिविडेंड है और ये एक रिमाइंडर है, मान लीजिए रिमाइंडर है। तो अगर डिवीज़र को हम डिविडेंड से जब डिवाइड करेंगे, मीन्स अगर सॉरी जब डिवीज़र को जब डिवीज़र एक फैक्टर होगा एक डिविडेंड का, तब जो रिमाइंडर आएगा वो ज़ीरो होगा। ध्यान से एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिवीज़र अगर डिविडेंड का फैक्टर है तब भी जो वैल्यू आएगा मीन्स रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, अगर फैक्टर है तो। जैसा कि आप इस डेफिनेशन में भी देख सकते हैं, इफ़ पी एक्स इज ए पॉलिनॉमियल एंड हैव जी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वे एज अ फैक्टर, देन द रिमाइंडर वुड बी पी इक्वल्स टू जीरो, अगर फैक्टर है तो। देखिए अब इस एग्जांपल से देख लेते हैं, एग्जांपल मेक्स मोर क्लियर। सो एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एक्स द पावर टेन माइनस, यहाँ पर मैंने दो पॉलिनॉमियल लिए हैं। अब इसमें डरना नहीं है, कुछ नहीं डरना है, बस आपको जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, बस आपको दो पॉलिनॉमियल हमेशा ध्यान रखना है कि दो पॉलिनॉमियल कौन कौन गिवन है। ये एक पॉलिनॉमियल, ये एक पॉलिनॉमियल और ये एक पॉलिनॉमियल है, ये एक ही पॉलिनॉमियल मान लीजिए, एक ही पॉलिनॉमियल गिवन है। अब देखते हैं इसे फैक्टर थ्योरम से, ये अब यह फैक्टर आपको अब डिफ्रेंशिएट ये करना होगा कि कहाँ पे फैक्टर लिखा हुआ है और कहाँ पे डिवाइड या फिर डिविडेंड लिखा हुआ है, डिवाइड बाय लिखा हुआ है। बस अगर फैक्टर लिखा हुआ है तो कुछ नहीं सोचना, कुछ सोचना समझना नहीं है, बस फैक्टर थ्योरम यूज़ करके उसको बढ़ा देना है, बस इतना काफ़ी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि x माइनस वन, आपको प्रूफ करना है कि x माइनस वन जो है वो फैक्टर है x द पावर टेन माइनस वन और x द पावर इलेवन माइनस वन का। अब देखिए दोस्तों, यूजिंग फैक्टर थ्योरम वी हैव, अब जैसे कि मैंने आइडेंटिफिकेशन लिया था, वैसे मैंने पी एक्स को एक कॉमन पॉलिनॉमियल के तौर पर ले लिया और जी एक्स मैंने ले लिया एक्स माइनस वन। आपको दो पॉलिनॉमियल आइडेंटिफिकेशन ज़रूर लेना होगा ताकि आप समझ सके एग्जाम टाइम में भी। अब देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे फर्स्टली, अब इसमें से आपको ढूंढना है कि किसका मैं पॉलिनॉमियल, किस जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल निकाल सकता हूँ। जो जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल जब भी निकलेगा, ये चीज़ भी याद रखिए, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल जब भी निकलेगा तो वो वेरिएबल जो होगा उसका पावर वन होगा। देखिए इसका, इसमें से किसी का पावर वन है नहीं है, ये टेन है, इसका इलेवन है, मीन्स इसका जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल नहीं निकलेगा। तो किसका निकलेगा, इसका वन है, इसमें इसका जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल निकालना है। तो देखिए फर्स्ट जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल एक्स, एक्स माइनस वन, तो मैंने जैसे ही बताया था आपको पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे एक्स था मेरा तो जीरो लिया, तो जीरो को पुट करना है, सब्सटीट्यूट करना है, सब्सटीट्यूट किया मैंने, एक्स का वन आ गया वैल्यू। अब नाउ पुटिंग एक्स इक्वल्स टू वन इन बोथ पी एक्स, अब दोनों पी एक्स में मैंने पुट करना है एक्स का वैल्यू वन। अब देखिए मैंने यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कैसे हुआ है, मैंने वन का वैल्यू, एक्स का वैल्यू वन पुट किया और यहाँ पे मैंने सब कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, देखिए आपका जीरो आ गया। अब क्यों आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, वहाँ पे कुछ और आया, यहाँ पे कुछ और, वहाँ उस रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि वो रिमाइंडर थ्योरम था, वो बोलता है, रिमाइंडर थ्योरम खुद बोलता है कि अगर किसी चीज़ को किसी चीज़ से डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगा वो रिमाइंडर पी ए के बराबर होगा, मीन्स पी ए के बराबर होगा,
ये हो गया। अब फैक्टर थ्योरम बोलता है कि अगर किस कोई कोई डिवीजर अगर किसी चीज़ का फैक्टर है कोई डिविडेंड का, तो रिमाइंडर जो होगा वो जीरो होगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही आप देख सकते हैं जीरो। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि एक्स दी पावर 10 माइनस वन एंड एक्स दी पावर 11 माइनस वन हैव एक्स माइनस वन एज अ फैक्टर। जैसे कि ऐसे ही आपको प्रूव करना है, दोनों में डिफरेंस यही है ना कि ना, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है, बस वैल्यू पुट करने पर ऑटोमेटिकली आपका सारा आ जाएगा जैसा कि आपको क्वेश्चन में गिवेन होगा। अब दोस्तों ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि रिमेंडर थ्योरम क्या होता है और फैक्टर थ्योरम क्या होता है। अब बात करते हैं फैक्टराइजेशन और पॉलीनोमियल, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप भी है। सो मैं आपको थ्री मेथड्स बताऊंगा उसके बारे में। चलिए उसके आप आगे बढ़ते हैं अपने फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स की ओर। तो देखिए दोस्तों अब हम आ गए हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स की ओर। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि ये फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। देखिए फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी गिवन आपको पॉलीनोमियल या एक्सप्रेशन, जो गिवन एक्सप्रेशन या पॉलीनोमियल होता है, जैसे कि आप इस एक्सप्रेशन या पॉलीनोमियल को देख सकते हैं, इसको आप फैक्टर्स में तोड़ देते हैं, उसी प्रोसेस को कहा जाता है फैक्टराइजेशन, जैसे कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं इस फैक्टराइजेशन थ्योरम का, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल का। देखिए मैंने एग्जांपल लिया, यूज फैक्टर थ्योरम एंड फैक्टराइज दिस, आपको दे सकता है रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग कीजिए। फैक्टर थ्योरम मैंने लिया तो फैक्टर थ्योरम करते हैं, यूज फैक्टर थ्योरम एंड फैक्टराइज दिस पॉलीनोमियल। अब यहाँ एक आपको डाउट आ रहा होगा कि मैंने तो यहाँ पे दूसरा कोई वेरिएबल लिया नहीं है। अब यही आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। अब इसे ध्यान से देखें, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ, लेट एफ एक्स यहाँ पे मैंने एक पॉलीनोमियल के तौर पर ले लिया, आइडेंटिफिकेशन के तौर पर ले लिया इस पॉलीनोमियल को। अब एंड लेट इक्वल्स एक्स इक्वल्स टू वन, हाँ अब ये आपको भी क्वेश्चन आ रहा, ये भी क्वेश्चन होगा आपका जैसे कि मैंने वहाँ पे क्वेश्चन लिया था। देखिए अब यहाँ पे जो मैंने x इक्वल्स टू वन क्यों लिया, आप यहाँ पे x x का वैल्यू मीन्स वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपको गिवन नहीं है, अगर क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है कि आपको इससे डिवाइड करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने से एक वैल्यू पुट करना है। वो जीरो भी हो सकता है, वो माइनस वन भी हो सकता है, माइनस थ्री भी हो सकता है, माइनस फोर, माइनस टू, एनी नंबर हो सकता है, मीन्स इन्फिनाइट नंबर्स हो सकते हैं, इन्फिनाइट नंबर्स आप ले सकते हैं, इन्फिनाइट नंबर्स अगर आपको वैल्यू है कि डिवीजर नहीं दिखे हुए हैं। तो अब आपको क्या करना है, मैंने तो x इक्वल्स टू वन ले लिया और आपको चेक करना है, ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि फैक्टर थ्योरम में आपको जानते हैं, आप सीख ही गए हैं कि फैक्टर अगर एक डिविडेंड का एक डिवीजर फैक्टर हो, मींस ये जो डिवीजर है ये इसका अगर डिविडेंड का फैक्टर हो, तो रिमाइंडर क्या होगा, जीरो। आपको ये इसमें यूज फैक्टर थ्योरम, तो आपको जीरो प्रूफ करना है, फैक्टर थ्योरम मींस जीरो प्रूफ करना है, हमको जीरो प्रूफ करना है कि जो पॉलीनोमियल है वो जीरो आ रहा है, मींस ये जो पॉलीनोमियल होगा वो एक फैक्टराइजेशन हो सकता है। अब देखिए ये क्या होगा, देखिए x इक्वल्स टू मैंने वन तो पुट कर लिया, अब यहाँ कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, सिर्फ आपको वैल्यू को यहाँ पे जीरो लाना होगा। देखिए एफ एक्स यहाँ पे मैंने पुट कर लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया था, अब मुझे x का वैल्यू वन पुट करना है यहाँ पे, तो वन पुट कर दिया मैंने, बाकी रिजॉल्व किया मैंने, तो यहाँ पे देखिए मेरा वन माइनस सिक्स प्लस इलेवन माइनस सिक्स आया। अब यहाँ पे मैंने फिर सब्ट्रैक्ट किया, आगे प्रोसेस किया, तो मेरा जीरो आ गया। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये जो गिवन पॉलीनोमियल है और जो x जो x इक्वल्स टू वन है, मीन्स मैंने x माइनस वन लिया था, इसे मैंने जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल पहले निकाला, उसके बाद मेरा फिर आ गया x प्लस टू वन, तो मैंने पहले बाकी प्रोसेस कर लिया। तो मेरे क्या, अब मैं बोल सकता हूँ कि x माइनस वन जो होगा, इसे आप ऐसे भी करोगे ना, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा या प्लस में ये माइनस हो जाएगा। ये जो x माइनस वन हुआ ये क्या हो गया, ये फैक्टर होगा इस पॉलीनोमियल का, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स इस पॉलीनोमियल का। अब इसे फैक्टराइजेशन को देखते हैं कि इस फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं। ये तो बात होगी कि इसे अभी पहले वैल्यू पुट निकाला मैंने, अब ये बात होगी कि अब बात करते हैं कि फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं। यहाँ मैंने तीन मेथड लिया है, ये तीनों मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी हैं। आपको ये सब पहले भी आपने पढ़ा है पर आपको याद नहीं होगा, तो अभी मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये जो तीन मेथड है बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड्स हैं। देखिए पहले देखते हैं फर्स्ट मेथड को देखते हैं। फर्स्ट मेथड थोड़ा सा इजी है और ये हर जगह अप्लाई होता है, मींस आपके बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल तक ये अप्लाई होता है। अब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल तो अपने से कर ही सकते हैं, वो तो सिंपल है, आपने पहले क्लास के चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन। और ये था आपका, ये फैक्टराइजेशन होगा आपका क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक का। अब देखिए कैसे होता है, फर्स्ट मेथड देखते हैं। डिवीजर एक्स माइनस, मैंने जैसे कि डिवीजर मैंने लिया था, एक्स माइनस वन मेरा डिवीजर था, मैंने बोल दिया कि डिवीजर जो है वो एक फैक्टर है डिविडेंड का, तो मैंने डिवीजर के तौर पर एक्स माइनस वन ले लिया, जैसे कि मैंने लिया था वहाँ पर डिविडेंड, और ये डिविडेंड हो गया। अब देखिए इसको फैक्टराइज करते हैं पहले लॉन्ग डिविजन मेथड से, अब इसे दूसरे प्रोसेस से आप इसे ना सब्सटीट्यूट, जब आप समझ जाइएगा तब आप इसे सब्सटीट्यूट एक दूसरे में सब्सटीट्यूट करके आप बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं यूजिंग लॉन्ग मेथड से।
देखिए यहाँ पे पहले यूजिंग लॉन्ग मेथड से मैंने सॉल्व किया, अब मेरे पास देखिए क्या आया, मेरे पास एक क्वोशेंट आया, ये क्वोशेंट है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये मैंने डिवाइड जब किया तो मेरा यहाँ पे तो जीरो आ गया, मेरा जीरो वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको क्वोशेंट आया, अब इस क्वोशेंट को आपको नोट कर लेना है, अब यहाँ पे देखना है आपको, देन वी गॉट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये क्या आ गया, क्वोशेंट आ गया। अब आपको क्या करना है, अब इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, तो आप इसे फैक्टराइज कर दो, आपको फैक्टराइज करने पे आप जैसे पहले क्लास में फैक्टराइज करते थे वैसे ही फैक्टराइज करो। कैसे, देखिए मैंने यहाँ पे कैसे फैक्टराइज किया है, सिक्स यहाँ पे सिक्स को मैंने वन से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे वन है, यहाँ पे कुछ नहीं है किसी वेरिएबल के, अगर किसी वेरिएबल के पास साथ में कुछ नहीं होता मीन्स वहाँ पे वन होता है। देखिए मैंने सिक्स को यहाँ पे वन था, यहाँ जैसे कि आपने पहले ही पढ़ा होगा ऐसे ऐसे मैं इसको ऐसे से मल्टीप्लाई करके स्प्लिटिंग मेथड, हाँ मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड आपने पहले ही पढ़ा है क्लास में, तो इसे वैसे ही किया मैंने, तो देखिए मैंने थ्री माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स आ गया। अब मैं माइनस, अब इसको फिर पेयर में कर दिया मैंने जैसे कि करते आए हैं हम, देखिए अब इसे पेयर में मैंने किया, अब उसके बाद फिर कॉमन लिया मैंने, तो इसमें एक्स कॉमन था एक्स कॉमन हो गया एक्स माइनस थ्री आ गया यहाँ पे, फिर मैं बाकी इसमें कॉमन था माइनस टू तो माइनस टू मैंने ले लिया, एक्स माइनस थ्री कॉमन हो गया। अब कॉमन फैक्टर के थ्योरम से कॉमन फैक्टर ले लेते हैं इसे, एक्स माइनस थ्री कॉमन हो गया, एक्स माइनस टू एक साथ हो गया, तो ये आपको हो गया एक फैक्टर। हाँ अब आप क्या लिखेंगे, फैक्टर्स आर एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ये फैक्टर्स हो गए। अब आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर तो एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस टू आया, आप इसे मैंने तो इसे अरेंज कर दिया, पर यहाँ पे एक्स माइनस वन कहाँ से एक फैक्टर आ गया, ये अब ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपने वैल्यू लिया जिससे आप डिवाइड कर रहे हो मीन्स जो डिवीज़र है आपका x माइनस वन यहाँ पर डिवीज़र था, यहाँ ये जो डिवीज़र होगा ये भी आपका एक फैक्टर होगा। हाँ और ये अपने आप में आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो गिवन पॉलिनॉमियल है कि कितना फैक्टर्स इस गिवन पॉलिनॉमियल का निकलेगा, फैक्टराइजेशन जैसे कि मैंने बताया फैक्टराइजेशन ये फैक्टर्स निकालने के लिए प्रोसेस है, तो ये इस जो गिवन पॉलिनॉमियल है इसके जितने फैक्टर्स होगा ये आपके हाईएस्ट डिग्री पर डिपेंड करेगा। ये देखिए इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, थ्री है हाईएस्ट डिग्री, तो यहाँ पे फैक्टर्स कितने निकले आपके एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, या इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये आपको निकला ये भी एक आंसर है, पर आपको जो डिवीजर आपने डिवाइड किया है वो भी आपका एक फैक्टर है, इसे मत भूलिएगा। जैसे कि आप उसमें निकाला वो भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर, ये दो फैक्टर है, ये एक साथ लिख दिया आपका तीन फैक्टर निकल गया, आपका तीन निकल गया और यहाँ पर डिग्री भी थ्री है मीन्स आपका ये क्या है वेरीफाइड है मीन्स करेक्ट है आपका। अब ये तो बात हो गई कि कैसे लॉन्ग डिविजन मेथड से करते हैं फर्स्ट मेथड से, अब सेकेंड मेथड की बात करते हैं। इस मेथड सेकेंड मेथड में मैंने सेम क्वेश्चन लिया है जैसे कि उसमें लिया था। अब देखिए मैंने इसमें जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल निकाला था, आपने जैसा कि देखा भी होगा पहले, पर मैं इसमें जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल निकालूंगा। पहले देख लीजिए मैंने इसमें यहाँ पे तो मेरा एक्स माइनस वन फैक्टर आ ही गया था, तो मैंने डिवीजर के तौर पर एक्स माइनस वन ले लिया और डिविडेंड के तौर पर जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लिया था वैसे ही ले लिया। अब क्या करना है, आपको देखना है कि एक्स का जो वेरिएबल का जो पावर है यहाँ पे वो वन होना चाहिए तभी आपको जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल निकलेगा, हमेशा याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे मेरा वेरिएबल का पावर सबसे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है इसमें वन है मींस ये जो होगा इसमें देखिए क्यूब है मींस इसका वैल्यू जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल तो निकलेगा नहीं, तो इसका ही निकलेगा एक्स माइनस वन का जीरो आया, एक्स इक्वल्स टू वन आया, देख सके आप देख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू वन आया। अब मैं मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो ये गिवन है इसे मैं एक क्वेश्चन के तौर पे लिखूंगा, यहाँ पे मैं इसे क्वेश्चन के तौर पे देखिए मैंने यहाँ पे जैसे लिखा है द क्वेश्चन, इसे आप अपने अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए जैसा कि आप लिखना चाहते हैं। द क्वेश्चन ऑफ यहाँ पर ऐसे लिखूंगा मैं द क्वेश्चन ऑफ एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स, इसका अब क्या करना है आपको, ये जो गिवन पॉलीनोमियल आपका इसका आपको क्वेश्चन निकालना होगा। अब क्वेश्चन आप कैसे निकालेगा, जैसा कि आप इसे किए वैसे ही क्वेश्चन निकालना, पर ये तो लॉन्ग डिवीजन होगी ये तो सेम हो जाएगा, पर इसलिए किसी को करने के लिए यहाँ पे दोस्तों अब कुछ नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन निकालना होगा, तो क्वेश्चन निकालने के लिए आपको मैं बहुत ही अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ, इजी वे में निकल जाएगा आपको इससे, इसमें इस मेथड में भी आप लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप इजी वे में कर लोगे। देखिए कैसे करना है आपको, कुछ देखिए यहाँ पे जो है देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको, सिर्फ वेरिएबल इस जो पॉलीनोमियल जो गिवन है इसमें आपको वेरिएबल्स देखना है क्या क्या वेरिएबल्स है। देखिए ये जो पहला इस एक्स क्यूब है इसमें वन वेरिएबल है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं वन ले लेते हैं, फिर यहाँ पे इस माइनस सिक्स स्क्वायर में देखते हैं तो वेरिएबल क्या है माइनस सिक्स, हमेशा याद रखिए जो भी थिंग माइनस के साथ है माइनस सात लगेगा। देखिए मैंने माइनस सिक्स ले लिया, थोड़ा सा डिस्टेंस लीजिएगा या फिर ऐसे लाइन खींच लीजिए माइनस सिक्स हो गया। अब यहाँ पे इलेवन एक्स का बात करें तो इलेवन यहाँ पे न्यूमेरिकल लेते हैं, यहाँ पर मैंने 11 ले लिया ऐसे 11 ले लिया, अब फिर एक लाइन खींचा, फिर यहाँ पे देखिए माइनस सिक्स बचा मेरे पास तो माइनस सिक्स मैंने ले लिया। अब आपको कुछ नहीं, आपको देखना है कि आपका जो एक्स का मैंने आपके वैल्यू लिया था वो क्या है, एक्स का वैल्यू आपका क्या है यहाँ पे वन है, आपको कुछ भी यहाँ पे वैल्यू जो भी आपने लिया वैल्यू और जीरो ला दिया है पॉलीनोमियल ने, तो उस वैल्यू को पुट कर देना है। यहाँ पे आपका एक्स का वैल्यू वन है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक साइड में यहाँ पे वन लिख दूंगा आप और यहाँ पे एक लाइन खींच दूंगा ऐसे करके।
अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये जो वन यहाँ पे आपने यहाँ पे आपके लिया है ना, ये जो फर्स्ट वन है, फर्स्ट न्यूमेरिकल होगा, इसे आप ऐसे वैसा ही उतार दीजिए, यहाँ पे वन हो गया ये। अब क्या करना है आपको, इसको मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ इसको समझिए बस, और कुछ दिमाग माइंड मत लगाइए, बस इसे समझिए। वन वन टाइम्स वन क्या होगा, वन होगा। तो आपको क्या करना है, वन टाइम्स वन, वन मल्टीप्लाई वन होता है, तो यहाँ पे वन हो गया, यहाँ पे वन लिख देना आपको, वन मल्टीप्लाई वन कितना होता है, वन होता है, तो यहाँ वन हो गया। अब देखिए माइनस है और ये प्लस में है, तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो यहाँ माइनस लग गया, और माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस फाइव। अब ये तो हो गया माइनस फाइव, अब फिर से इस वन को आपको मल्टीप्लाई करना है इस माइनस फाइव से, तो माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा आपके पास, माइनस फाइव ही आएगा। आपको क्या करना है, ये प्लस में ये माइनस में, तो बड़ा कौन है, प्लस का साइन बड़ा है, तो यहाँ पे प्लस का साइन होगा, तो अब माइनस, तो माइनस तो होगा ही होगा, तो क्या होगा यहाँ पे, सिक्स हो गया आपका। अब क्या करना है, सिक्स वन जे सिक्स, यहाँ पे सिक्स हो गया आपका फिर आंसर, फिर वैसे ही करके मल्टीप्लाई करते जाना है बस, जब तक लास्टली आपका जीरो ना आ जाए। देखिए आप यहाँ पे जीरो आ जाएगा आपका प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, सिक्स सिक्स माइनस सिक्स प्लस सिक्स है, तो माइनस हो जाएगा, तो आप क्या आ जाएगा, जीरो। हाँ आप ये अगर आपको लग रहा है कि आप गलत जा रहे हो, तो सबसे लास्ट तक आप वेट कीजिए, अगर जीरो आ गया लास्ट में, मतलब कि आपका ये जो आप कर रहे हो, ये आपका जो डिवीजन कर रहे हो, ये करेक्ट जा रहा है आपका। अब देखिए ये वन माइनस फाइव सिक्स आ गया, अब आपको देखना है क्या इसमें, या कि यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री वो क्या है, थ्री है। अब हाईएस्ट डिग्री थ्री को भूल जाइए, अब यहाँ पे आप हाईएस्ट डिग्री आप स्क्वायर ले लीजिए, अब आपको इसमें कुछ, अब इससे इस पॉलिनॉमल को आप भूल जाइए, तो पूरी तरह से इस पूरे पॉलिनॉमल ही को भूल जाइए। अब आपको क्या करना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर से आपको यहाँ पे पूरा पुट कर देना है, जीरो का तो वैसे भी कोई वैल्यू होता नहीं है, तो जीरो ऐसे भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ वन बचा। अब क्या, मैंने क्या बोला कि आप क्यूब था वहाँ, तो मैंने एक्स स्क्वायर, मैं आप स्क्वायर से लूँगा, तो क्या लेना है आपको, वन यहाँ पे, तो यहाँ लिए वन एक्स स्क्वायर, या माइनस फाइव, तो माइनस फाइव एक्स, और यहाँ सिक्स है तो प्लस सिक्स। जैसा कि आप एक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लेना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये आपका हो गया है, आप देख ही सकते हैं कैसे आपका हुआ है, ये आपको एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। जैसा कि आपका यहाँ पे वैल्यू आया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू है आपका, माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, वही आपका वैल्यू आ गया, आपका वेरीफाइड हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस, आप इसे तो फैक्टराइज कर सकते हो, तो आप फैक्टराइज कर देंगे इसको, जैसे कि आप फैक्टराइज करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट से, तो मिडिल टर्म स्प्लिट मैंने किया, तो ऐसा मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट में मेरा ऐसा आया, जैसे कि इसमें भी आया था, आप देख सकते हैं सेम प्रोसेस मैंने, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पे अब मैंने पेयर किया, तो मैंने जैसे कि मैंने यहाँ पे पेयर किया था वैसे ही पेयर किया, मैंने बीच का प्रोसेस छोड़ दिया, बहुत लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए। एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू, देखिए आपको फिर से वही आ गया। अब आपको इसमें भी ध्यान रखना है, दोनों में सेम आंसर होगा, तीनों में, क्योंकि तीनों क्वेश्चन सेम लिया मैंने, अब मेथड से अलग है। देखिए जैसे कि एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री आया, वैसे इसमें भी आ जाएगा एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, इसमें एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू आया, और इसमें भी क्या आ गया मेरा एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, और मैंने यहाँ से यहाँ पे एक्स माइनस वन का एक डिविजर लिया था, तो यहाँ पे मैंने एक्स माइनस वन को डिविजर ले लिया, हो गया आपका आंसर, ये आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर भी हो गया। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या था, थ्री था, सबसे पहले का पॉलीनोमियल का डिग्री क्या था, थ्री, तो यहाँ पे क्या आया आपके पास, थ्री टर्म्स, कितने आए आपके पास, थ्री, ये वन टू थ्री, ये आपके टर्म्स आ गए, इट मीन्स ये जो आपका जो वैल्यू आया वो एक वेरीफाइड वैल्यू है, करेक्ट है। अब देखते हैं थर्ड मेथड। देखिए दोस्तों मैंने सेम प्रोसेस लिया है, जैसे कि क्वेश्चन मैंने इसमें लिया था वैसे ही इसमें भी क्वेश्चन लिया है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जैसे कि x माइनस वन एक डिविजर है, और ये जो गिवन नीचे है, नीचे का जो गिवन पॉलिनॉमियल है वो एक डिविडेंड है, तो राइटिंग, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है राइटिंग x माइनस वन एज अ कॉमन फैक्टर्स। इसमें आपको ना कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि x माइनस जो भी आपको डिविजर है, मीन्स जो लीनियर पॉलिनॉमियल है, उसे आपको उस वैल्यू के तौर पर लेना है। देखिए अब ये तो है कि x माइनस वन आपका एक डिविजर है और ये डिविडेंट, तो आपको कुछ नहीं देखना है। अब देखिए x माइनस वन है, आपको अब देखना है x माइनस वन आपने देख लिया, अब देखना है आपको इस गिवन पॉलिनॉमियल में कि हाईएस्ट डिग्री इसका क्या है, तो हाईएस्ट डिग्री इसका थ्री है, तो आपको क्या करना है, x माइनस वन यहाँ पर लिया था आपने, तो क्या करना है आपको, x माइनस वन आपको तीन बार लिख देना है सेपरेट फॉर्म में, सेपरेट में लिख देना है। देखिए ऐसे लिख देना है आपको, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, x माइनस वन एक हो गया आपका, ये हो गया एक, तीन डिग्री हाईएस्ट डिग्री थ्री है, मैं थ्री तीन बार आपको लेना है x माइनस वन को, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे स्पेस देंगे मैंने, x माइनस वन यहाँ पे हो गया, फिर एक थोड़ा सा स्पेस देना, थोड़ा सा स्पेस, x माइनस वन हो गया, ये आपका तीन हो गया। अब आपको देखना है, आप देखिए मैंने यहाँ पे वैसे ही किया है, x माइनस वन एक्स माइनस थ्री तीन बार लिया है मैंने। अब देखिए यहाँ अब आपको एक एक करके देखना है, ये चारों को, चार यहाँ पे आपके पास टर्म्स हैं, तो आपको चारों को एक एक करके देखना है। सबसे पहले देखते हैं एक्स क्यूब को, एक्स क्यूब को आप देखिएगा, तो आप देख सकते हैं कि एक्स यहाँ पे एक्स क्यूब है,
यहाँ पे आपको ऐसा पुट वैल्यू पुट करना है, मीन्स आपको यहाँ पे ऐसा वैल्यू पुट करना होगा कि आपका जो हो क्या होगा आना चाहिए, एक्स क्यूब आना चाहिए। तो एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग आप जानते ही होंगे कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई अगर एक्स है और बेस अगर सेम है तो ऊपर वाले प्लस हो जाते हैं, तो ये क्या होगा प्लस होके एक्स क्यूब हो जाएगा, तो एक्स क्यूब आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर पुट कर दें तो यहाँ पर जो वन है ये अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका एक्स क्यूब आ जाएगा, आ जाएगा ना, आप ही देख लीजिए, आप ही चेक करके देख सकते हैं, या आपको अपने से एज्यूम करना है, आप प्रैक्टिस करिएगा, इसको आराम से हो जाएगा, बहुत ही इजी वे में हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं, ये तो आपका हो गया, अब एक्स क्यूब आपका सिमट गया अब एक्स क्यूब। अब आपको आगे बढ़ना है, आप देखना है माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर का, पहले देखते हैं इसमें कि मेरा माइनस वन से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, अब मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब आपको इसमें सेकेंड वाले को देखना है, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर को, इस माइनस सिक्स स्क्वायर को हम कैसे ला सकते हैं, आखिर यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करें, यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू पुट करना चाहिए कि मैं माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर आ जाए। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे माइनस फाइव एक्स स्क्वायर पुट कर दूँ तो आपका क्या यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, आपको माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आप देख ही सकते हैं माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे वन था यहाँ पे फाइव, सिक्स एक्स स्क्वायर हो गया, आपको माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर आ गया, ये हो गया। अब देखिए आपके यहाँ पे माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर था, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, आपको अपने से वैल्यू पुट करना है कि एग्जैक्ट आ जाना चाहिए यहाँ पे जो गिवन क्वेश्चन पॉलिनोमियल का वैल्यू दिया है, वैल्यू टर्म्स दिया है, यहाँ पे माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर आया है आपको क्या करना है, यहाँ माइनस सिक्स यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ पे से जो मान लीजिए यहाँ पे थ्री टू यहाँ पे था ना, तो यहाँ पे एक हटा दीजिए, मीन्स माइनस सिक्स एक्स हो जाएगा, ये आप माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर था आपका, देख लीजिए माइनस सिक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, आई सॉरी यहाँ पर नहीं दो माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर था, तो इसको स्प्लिट कीजिएगा तो माइनस सिक्स इंटू एक्स हो जाएगा। तो आपको ये क्या हो गया माइनस सिक्स इंटू एक्स, ये आपका हो गया। आप इसको एक सिर्फ एक वेरिएबल हटा दीजिए आपका और बाकी वैल्यू पुट कर दीजिए, बस आपको यही करना है, और ये माइनस सिक्स हो गया। तो आपको इस करने पे क्या आ जाएगा, देखिए माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा करने पे। अब देखिए यहाँ पर आगे देखिए माइनस सिक्स एक्स को माइनस वन से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे देखते हैं माइनस सिक्स को माइनस वन से मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा सिक्स एक्स आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इलेवन एक्स है, आपको यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे आपको क्या वैल्यू पुट करना चाहिए कि आपको इलेवन आए, यहाँ पे इलेवन एक्स आ जाए, तो देखिए सिक्स एक्स में अगर आप फाइव एक्स पुट कीजिएगा प्लस फाइव एक्स तो आपको प्लस इलेवन एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, ये पुट कीजिएगा जैसे कि मैंने बोला फाइव एक्स यहाँ पे मुझे पुट करना होगा तब आएगा, तो आपको क्या करना है फाइव मल्टीप्लाई एक्स किया आपने, यहाँ पे एक्स वेरिएबल हटा दिया तो फाइव हो गया यहाँ पे, आई एम सॉरी यहाँ पे फाइव, यस 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 यहाँ पे फाइव हो गया, आई एम सॉरी यहाँ पे सिक्स होगा, यहाँ पे फाइव होगा, मैंने थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर दिया आपको, सॉरी। यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे प्लस सिक्स हो गया मेरा, प्लस सिक्स मैंने यहाँ पे पुट कर दिया प्लस सिक्स, ये प्लस सिक्स एक्स हो गया आपका, देखिए प्लस सिक्स यहाँ पे आप यहाँ पे आपका आ गया, अभी तो सिक्स एक्स पुट करने पे आपके इलेवन एक्स आ गया। आपके देखिए यहाँ पे सिक्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस वन से तो आपका क्या आ जाएगा माइनस सिक्स, माइनस सिक्स यहाँ पे आपका वेरिएबल सारा वैल्यू आ गया, करेक्टली सारा वैल्यू आ गया। अब आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है, तो एक्स माइनस वन एक्स माइनस एक्स माइनस वन ये सारा कॉमन है, तो कॉमन यहाँ पे एक्स माइनस वन हो गया, और जो बाकी के वेरिएबल्स थे बाकी के पॉलिनोमियल बन जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये पेयर में होगा। अब आपको फिर से इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तौर पर सॉल्व करना होगा, और देखिए आपको जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व किया था वैसे यहाँ पे पुट करिएगा तो आपको डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगा। देखिए x माइनस वन यहाँ पर वैसे ही पहले पुट हो गया, यहाँ पे बाकी का जो था x माइनस टू एक्स माइनस सी वो पुट हो गया, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग नहीं होगा। पर हाँ एक चीज़ आपको हमेशा इस पर ध्यान रखना है कि ये जो मेथड है, ये थर्ड मेथड जो है, ये हमेशा और हमेशा सिर्फ क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही सीमित रहता है, ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी कुछ असर नहीं करेगा। अगर बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री फोर के पॉलिनोमियल अगर आप इसे अप्लाई कीजिएगा इस मेथड को तो आप इस ये आपका असर नहीं होगा, मीन्स आप कहीं ना कहीं अटक जाइएगा। ये आपका आंसर आ गया, तीनों का आंसर आपका सेम आया है, आप देख ही सकते हैं तीनों मेथड आपका सही है। पर हाँ इस थर्ड मेथड फर्स्ट और सेकंड मेथड आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो और किसी भी पॉलिनोमियल में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो बाय क्वाड्रेटिक ही क्यों ना हो। पर अब थर्ड मेथड हमेशा याद रखिए कि बाय क्वाड्रेटिक मेथड में बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा, नहीं तो फिर फंस जाइएगा उसमें, आपको फिर से रेगुलर फिर वापस से शुरू करना होगा। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बिल्कुल इसे यूज़ मत कीजिएगा। हाँ, और ये तीनों मेथड आपके सही हैं और किसी भी मेथड से आप बना सकते हैं, और ये आप चाहें तो किसी मेथड से आप किसी भी पॉलिनोमियल में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट टॉपिक, ये पूरा चैप्टर का मैंने खत्म कर दिया। नाउ फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं कि ये वीडियो कैसा था, क्या कुछ कमी थी या एवरीथिंग। और हाँ, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर वीडियो बनाता रहूँगा। सो एंटिल दैट, बी सेफ, कीप लर्निंग, कीप गोइंग।